in which all known diagonal entries, all known diagonal entries are zero and all diagonal entries are same, and all diagonal entries are same. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हों और डायगोनल की एंट्रीज सारी सेम हो. फॉर एग्जांपल वो स्क्वायर मैट्रिक्स को तो ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए. साथ साथ एग्जांपल लिखते हैं इसके अंदर 1 0 0 1. देखो तो डायगोनल की एंट्री सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए. देन वी से इट इज स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों 2 0 0 0 2 0 0 0 2. ठीक है बच्चों, अगर मैं वो मैट्रिक्स लिखता हूँ जैसे 3 मान लो 10 लिख देता हूँ, 10 0 0 10. पहले तो बच्चों यूँ देखो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो उतनी ही कॉलम होनी चाहिए इनके पास. इफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम देन मैट्रिक्स इज स्क्वायर. अब स्क्वायर के बाद अगला टॉप पॉइंट है अपना ऑल 9 नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो. अब हमने नॉन डायगोनल एंट्रीज डायगोनल बना के उसके अलावा सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए. तो इन सभी एग्जांपल में डायगोनल को छोड़ के ऑल एंट्रीज जीरो. अब स्केलर मैट्रिक्स आपके तीसरा पॉइंट क्या बताती है, फिर ये कहती है ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम. डायगोनल पे जितनी भी एंट्री होंगी वो सेम होनी चाहिए. देन वी से मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. हां जी बच्चों क्लियर है ये पॉइंट. अम्मा अगर आपसे पूछूं कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे इनको क्या मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ? हाँ जी बताओ क्या ये स्केलर मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखी है इनको मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ? यस सर बोल सकते हैं. यस सर यस सर नवीन बच्चे बताओ. यस सर बोल सकते हैं. सौरभ आप बताओ. यस सर बोल सकते हैं. यस सर. हाँ जी सौरभ. यस सर बोल सकते हैं. ये बात है. ये बताओ एक बार मैं पूछ रहा हूँ जो ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ क्या? यस सर. यस सर बोल सकते हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स सर इतनी कंडीशन होती है कि डायगोनल की एंट्रीज को छोड़ के और सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए. इतना ही तो बोलती है डायगोनल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज को छोड़ के तो देयरफॉर वी कैन से दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो. ठीक है बच्चों अब आगे पढ़ते हैं हम यूनिक मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इन्हीं में स्पेशल केसेस चल रहे हैं बच्चों ये ध्यान देना. नेक्स्ट है यूनिक मैट्रिक्स. यूनिक मैट्रिक्स या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो अब क्या लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal entries are 1. whose diagonal entries are 1. एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्री 1 होंगी उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे. एग्जांपल देखो बच्चों 2 क्रॉस 2 की अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स देखती हूं. देखो मैंने लिखा है स्केलर मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स मींस वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और उसके डायगोनल की एंट्रीज सारी सेम होंगी. और मैंने बोल दिया कि उसके डायगोनल की एंट्री तो सारी 1 होनी चाहिए तब उसको हम आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे. तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स लिखूंगा तो वो होगी 1 0 0 1. इसका ऑर्डर है बच्चों 2 क्रॉस 2 याद कर लेनी है आपने. अब अगर मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स पूछूं तो वो होगी बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 1. ये है बच्चों अपनी 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
इसी तरह स्टूडेंट्स 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ क्या होगी। 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1 All diagonal entries are 1 and other entries are 0, then we say that matrix is unit matrix या फिर identity matrix। ठीक है बच्चों, यहाँ तक clear है? Yes sir। Yes sir। उनका भी पढ़ी है ये body ही कार पे जाएं। चलते हैं अपना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाते हैं बच्चों, ये स्पेशल टाइप्स का लास्ट टाइप है बस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ट्रायंगुलर के दो केस पढ़ेंगे बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके दो केस होते हैं बच्चों। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है बच्चों All entries, a square matrix, पहले बात तो ये लिखते हैं, a square matrix in which all entries below the principal diagonal are zero. Then that matrix is known as upper triangular matrix। Example देखते हैं। आप example से easily समझाओगे, जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब बच्चों यहाँ पे जो diagonal है अपना principal diagonal, इसी को बोलते हैं बच्चों, ये जो diagonal है इसके नीचे की entry देखूंगा मैं। Diagonal से नीचे की entry सारी कैसे student zero। डायगोनल से नीचे की एंट्री सारी जीरो होनी चाहिए बच्चों, इस डायगोनल को छोड़ के इसके नीचे की एंट्री देखूंगा 0 0 0 ऑल आर जीरो, देन वी से दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 1 2 3 0 0 4 0 0 0 या यहां पे लिख देता हूं बच्चों 5। हां जी बच्चों, ये बताओ ये कैसी मैट्रिक्स होगी अपनी? अपर ट्रायंगुलर होगी, डायगोनल का छोड़ के उसके नीचे की सारी एंट्री जीरो है। डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं बच्चों, डायगोनल की एंट्री कैसे भी हो सकते हैं, बट उसके नीचे की एंट्री पे कंडीशन है। सिर्फ कंडीशन इतनी है, ऑल एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, वो कोई कंडीशन नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट कैसे हैं, उस डायगोनल पे एलिमेंट कैसे, कोई कंडीशन नहीं है अपने पास। सिर्फ कंडीशन है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने की। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं तो 1 2 3 4 0 0 0 0 5, हां जी बच्चों ये बताओ क्या ये डायगोनल अपर डायगोनल मैट्रिक्स होगी अपनी? जो लास्ट में हमने थर्ड टाइप लिखा बच्चों, क्या ये नो सर नहीं होगी? क्यों नो सर नहीं होगी? नो सर नो सर नो सर नो सर इसकी वजह से नहीं है सर। दिक्कत है यहाँ पे इस 4 की, अगर इस 4 की जगह 0 हो जाता तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय दिस 4 ओनली, तो इस 4 को हटा के बच्चों मैं अगर यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तब ये अपनी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर के बाद है बच्चों लोअर ट्रायंगुलर, नेक्स्ट पॉइंट लोअर ट्रायंगुलर। इन द स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एंट्रीज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, सिर्फ इतनी बात आएगी यहां पे, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल करते हैं इसके बच्चों, 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0। हां जी स्टूडेंट, ये कैसी होगी अपनी लोअर ट्रायंगुलर? डायगोनल से नीचे की डायगोनल जो है अपना, इससे ऊपर की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए।
और डायगोनल से ऊपर की सारी एंट्री जीरो है, देन दिस मैट्रिक्स इज लोअर ट्रिपल। एंड दिस स्टूडेंट एक स्पेशल मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं 2 0 0 0 2 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स बताओ बच्चों कैसी मैट्रिक्स है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत पढ़ लिए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कौन सी है। तो बच्चों एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा इसको डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर एंड डायगोनल में कौन सा केस आएगा इसमें? हाँ जी नवीन बताओ। गुड बेटा नवीन बताओ। डायगोनल सर। डायगोनल भी डायगोनल सर। थर्ड सर जीरो डायगोनल मैट्रिक्स और एलिमेंट है। अब यू बताओ क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ इतना देखना होता है डायगोनल के एंट्रीज सेम होनी चाहिए। यहां पे डायगोनल की सारी एंट्रीज है सर। स्केलर भी है सर, मैट्रिक्स सर। अब बात ट्रायंगुलर में बच्चों, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर के लिए स्टूडेंट हम सिर्फ इतना देखते हैं कि डायगोनल से नीचे की सारी जीरो होनी चाहिए। तो ये नीचे की सारी एंट्री जीरो है तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे भी। तो ये कैसी होगी? अपर ट्रायंगुलर। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात करता हूं क्या ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर भी है? यस सर लोअर भी है। लोअर ट्रायंगुलर से क्या देखेंगे? यस सर अपर की एंट्री सारी जीरो होनी चाहिए तो ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। लोअर ट्रायंगुलर तो देखो एक खास बात है, एक ही मैट्रिक्स की उसके अंदर कितने टाइप एक साथ पढ़ लिए हमने, पहले स्क्वायर फिर डायगोनल स्केलर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। हां जी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में? नो सर। नो सर। गुड। लास्ट नो सर। नो सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लास्ट हम पढ़ते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स, बस मैट्रिक्स इक्वल और फिर उसके बाद आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम सर। हाँ जी सुमन बेटा आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर। चलो ठीक है हम करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स तो ध्यान देना इस पे। टू मैट्रिक्स ए, ए को ए के एलिमेंट को हम लिख देते हैं बच्चों ए आई जे से। टू मैट्रिक्स ए एंड बी। दूसरी मैट्रिक्स को लिख देते हैं बी, उसके एलिमेंट्स को हम डिनोट कर देते हैं बी आई जे से। आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट पार्ट इफ first point they are of same order। दो matrix अगर same order की होनी चाहिए तो पहले बात they are of same order and second point the student and second point the elements in the corresponding position of two matrices are equal। the elements या फिर entries elements in the corresponding position are same, in the corresponding position are equal। इसको लिखते हैं स्टूडेंट जी क्या कह रहे हैं, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल लिखना स्टूडेंट, फॉर ऑल आई एंड हरेक आई और जे की वैल्यू के लिए ए आई जे हरेक एंट्री इक्वल होनी चाहिए, देन वी से मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। देखो बच्चों फिर से देखते हैं एक बार, एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल फर्स्ट,
उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों पहले तो, फिर हर एक एंट्री सेम होनी चाहिए, देन वी से बोथ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, एक मैट्रिक्स लिखता हूं बच्चों मैं ए, इसके अंदर एलिमेंट अपने 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं बी, जिसके अंदर एलिमेंट है बच्चों 2 1 3 4 5 6। हां जी बच्चों सोच के बताओ, क्या ए और बी को मैं इक्वल मैट्रिक्स बोल सकता हूं? एक आधा एग्जांपल और करवा दो। हां जी क्या सौरभ फिर से बताओ, एग्जांपल और करवाना सारे। हां हां एग्जांपल ही तो करवाया मैंने, एक तो ए एंड बी दिख रही है, मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं? तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखो। नो सर नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है देखो मैं बताता हूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आर नॉट सेम, फोर एंड थ्री कॉलम नहीं है सर। नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। अब हम देखते हैं एलिमेंट, क्या एलिमेंट और पोजीशन सेम है? एलिमेंट तो सेम है इनके, नो पोजीशन मैटर करती है, एलिमेंट्स पोजीशन आर नॉट सेम, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए एलिमेंट के साथ साथ। यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 रखा है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो की एंट्री है अपनी 1, यहां पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की एंट्री कितनी है बच्चों 2, दोनों अलग-अलग हो गई, मींस दैट टू मैट्रिसेस, दीस टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्यों? बिकॉज यहां पे लिख सकते हैं हम ए इज नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन बच्चों ए 1 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 1 है, एंड बी 1 1, बी जो मैट्रिक्स थी उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो 2 है, देयरफॉर ए 1 1 इज नॉट इक्वल टू बी 1 1। लेकिन डेफिनेशन तो बोलती है कि हर एक एंट्री सेम होनी चाहिए, हमें एक एंट्री मिल गई जो इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। अब अगर बच्चों मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता, मैं यहां पे लिख देता 1 एंड 2, अब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल होगी। तो ये है बच्चों इक्वल मैट्रिक्स का कांसेप्ट। हां जी अब एक हम इस तरह का दो फॉर्म करते हैं बच्चों, दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों इक्वल दे रखे हैं। एक क्वेश्चन देखना आप, एक मैट्रिक्स है देखो, मैट्रिक्स इज ए प्लस बी 2 एंड सेकंड पॉइंट 5 एंड ए मल्टीप्लाई बी, ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है बच्चों, इक्वल टू 6 2 5 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, बताओ किस तरह निकालेंगे? देखो मैं बताता हूं, इफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू 6। हां जी इनकी पोजीशन पे जो ए बी इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू ए के 4 और 2, बी इज इक्वल टू 6 यार, और 2 ए की 4 और 2, और बी की भी सेम वैल्यू आएगी 4 एंड 2। बच्चों देखो कैसे निकालना, सिंपल है, यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू ए प्लस बी, यहां पे बी 6, तो एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन यहां पे 2 रखा है, यहां पे भी 2 सेम, यहां पे 5, यहां पे भी 5 सेम, लास्ट पॉइंट है ए इनटू बी और इक्वल टू किसके रख देंगे हम इसको 8, यहां से बी या ए की किसी की वैल्यू निकालनी है, बी इज इक्वल टू 8 बाई 8, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से ए प्लस 8 बाई ए इज इक्वल टू 6, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इजीली सॉल्व कर लोगे इसको आप, ए स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6a, इसको इस साइड उठा लाते हैं बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर कर लेंगे, फिर हम फैक्टर क्या आप लेंगे बच्चों a square minus 4a minus 2a plus 8 is equal to 0,
कॉमन ले लेते हैं, a into a minus 4 minus 2 कॉमन लिया, a minus 4 is equal to 0, तो फैक्टर हो गए तो a minus 2 into a minus 4, तो a की यहाँ से दो वैल्यू आ गई तो 2 and 4, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज का यूज करते हैं, जब a की वैल्यू 2 होगी then a is equal to 2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, and when a is equal to 4, जब a की वैल्यू 4 हो तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। हां जी कर लोगे ना बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। अब हम एक देखते हैं किधर का, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे ना? एक क्वेश्चन और लिखो, यस सर। वैल्यू x y z एंड w और इक्वेशन दे रखे हैं मैट्रिक्स दे रखे हैं बच्चों में, x minus y 2x plus z 2x minus y and last string 3z plus w is equal to minus 1 5 0 13. Find the value of x y z and w. हाँ जी बच्चों करो, बहुत अच्छे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, जब सॉल्व करोगे इक्वेट करके x minus y is equal to minus 1 to x plus z is equal to 5 इस तरह इक्वेट कर लेंगे हम, तो सॉल्व करोगे लास्ट में ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स, हमने एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by, देखो उसके एलिमेंट किस तरह से गिवन है, a i j is equal to i plus j, whose elements are given by a i j is equal to i plus j। देखो बच्चों एक तो सुनना बताता हूँ, एक आप ट्राई करना फिर। देखो हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट ए। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स सभी की पोजीशन भी डिसाइड कर देते हैं, ये तीन एलिमेंट फर्स्ट रो में आएंगे, तीन एलिमेंट सेकंड रो में और तीन ही एलिमेंट अपने थर्ड रो में, इस तरह की कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी बच्चों। अब हमें इसमें क्या दे रखा है कि जो इसकी एंट्रीज होंगी ए आई जे वो किसकी इक्वल होंगी आई प्लस जे, तो सबसे पहले हम पोजीशन जानते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो बच्चों ये कौन सी पोजीशन है अपनी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ए वन वन। देखो कल भी बताया था हमने ये कौन सी पोजीशन आएगी स्टूडेंट, ए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम और ये वाली फर्स्ट थ्री, और इसी तरह इसको लिखेंगे तो टू वन, इसको लिखेंगे तो बच्चों टू टू एंड देन ए टू थ्री। हाँ जी बताओ अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें, a 3 1 3 2 and 2 3 पोजीशन सब की लिख दिए। अब क्या कंडीशन दे रखी है इसमें, कंडीशन दे रखी है कि जो नीचे मैट्रिक्स लिखे गए हैं i एंड j उनको ऐड करना है, वही एंट्री बन जाएगी अपनी। तो बच्चों यहां पे देखो 1 एंड 1 लिखा है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 प्लस 2 आएगा ना, तो फर्स्ट एंट्री हो गया अपनी 2 2 2 3 4 3 4 3 4 5 4 5 6 अब ये 3 4 5 होगी कितनी बनेगी बच्चों 4 5 6 5 6 तो ये अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी। हां जी बच्चों कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन? यस सर, यस सर। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी हमने, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू, यहां पे कंडीशन दे रखी है बच्चों आई प्लस 2जे, आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बच्चों जल्दी से बताओ इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगे, सिर्फ इतनी ही मैट्रिक्स बनानी है। हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ,
का मतलब होता है स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, बच्चों ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और हमने निकालना है 2 into A, मीन दैट ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो सिंगल इंटीजर होता है इसी को स्केलर बोलते हैं बच्चों। तो कुछ नहीं, हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 2 into 2 3 into 2 4 into 2, ये हो जाएगी बच्चों अपनी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों इसमें 2 4 6 8, ठीक है ना स्टूडेंट। ये होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एक टॉपिक आएगा बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मींस किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एंट्रीज अपने पास 1 0 0 2, और मैं आपसे पूछूं कि यहां से 3 into A निकालो, तो 3 into A कितना आ जाएगा बच्चों? दो एग्जाम्पल हो गए बच्चों। हम इसका रूल लिख देते हैं क्या होता है। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन वाइज, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स, इस तरह के कोफिशिएंट एलिमेंट लिख रखे हैं उसमें, देन k into a, k यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर है बच्चों, देन k into a is nothing but हर एक एंट्रीज को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, where k is any real number, k is any real number, ठीक है स्टूडेंट। एग्जांपल हमने इसके एक दो देख लिए। हाँ जी बच्चों अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। एक मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 0 1 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 into A निकालो तो बच्चों की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 3 6 9 0 6 3 3 6 0 3 3 12, ठीक है बच्चों। ये है अपना स्केलर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट, आज सिर्फ इतना ही समझेंगे बच्चों। सेकंड ऑपरेशन है एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे बच्चों। एक बार मीटिंग ओवर हो गई अपनी, एक बार सभी बच्चे दोबारा से रीजॉइन करेंगे।